सर छठ घाट में सफाई नहीं हो पाई है, छठ घाटों की क्या? भाई छठ घाटों की अगर सफाई नहीं हो पाई है तो हमारे विधायक जी के तरफ से एक बहुत ही सख्त लेटर गया है SDO साहब को कि आप पूरे तौर पर शहर में ही नहीं बल्कि पूरे जिला में जितने भी छठ घाट हैं उसकी सफाई करें, वहां पर व्यापक व्यवस्था करें, पेयजल की व्यवस्था करें, बैरिकेडिंग करें, महाजाल रखवाएं, तैराक रखवाएं और वहां पर जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनके सुविधा का पूरा काम करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, प्रशासन को सख्त हम लोग ने निगरानी दी है और अभी हम लोग जाएंगे छठ घाटों में क्या व्यवस्था हुई है उसको भी देखेंगे। हम लोग को सूचना मिली है कि नगर पालिका की तरफ से बड़ी उदासीनता बरती जा रही है और किशनगंज के घाटों की भी सफाई नहीं हुई है। दोनों जो पुल हैं रमजान नदी पर उनके दोनों तरफ के जो वो हैं टूटे पड़े हैं, उनके पाइल्स टूट पड़े हैं और रेलिंग का मामला ऐसा है कि किसी वक्त भी कोई दुर्घटना हो सकती है। वो रेलिंग अगर फौरी तौर पर ठीक नहीं हो सकता है तो कमन छठ के मौके से कम अज कम बेम्बो से उसकी रेलिंग बना दी जाए ताकि उसकी पूरी सुरक्षा हो सके, ये काम कर रहे हैं। लेकिन असल जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम लोगों ने किया था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये था कि हम लोग पूरे किशनगंज की जनता को जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, उन तमाम तर पत्रकारों को जिन लोगों ने हमें सहयोग किया है, उन तमाम तर लोगों को जिन लोगों ने हमारे दुआएं की हैं, ईश्वर से विनती की है, उन तमाम तर लोगों को साधुवाद देना चाहते हैं। और हमारे जो विधायक जी हैं वो तो पूरे बिहार के लोगों ने उनके लिए दुआएं की और बिहार से बाहर के लोगों ने दुआएं की, सीमांचल का प्रदेश में जो हमारा नौजवान था उन्होंने भी वहाँ से विनती की, वहाँ उन्होंने अपने घर में फोन किया कि साहब आपकी बार एक ही को वोट डालें कि MIM को वोट डालें। और अभी जो किशनगंज की जनता ने दिया एक तरफा तौर पर वोट दिया, नागपुर का नाग भी चला गया और यहाँ पर वो जो पंजे थे वो पंजे भी मरोड़ दिए गए। और अब तो किशनगंज में नारा है कि जो बहुत लोग हमारे चिढ़ाते थे कि हैदराबाद की बिरयानी नहीं चलेगी, तो हम लोग जो अभी गांव में घूमे फिरे पूरे किशनगंज में जो देखा कि घर घर बिरयानी है, हर किस्म पर शेरवानी है और दलालों को हमसे बड़ी हैरानी है, तो अब हम लोग काम कर रहे हैं किशनगंज की सेवा। सर गिरिराज सिंह ने जनसंख्या को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया है। आप भाई गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं और कोई नामर्द क्या बोलता है हम लोग सुन ही जा रहे हैं। स्त्री और पुरुष का रिश्ता यही है कि जमीन किसान जोतता है कि फसल आए, और स्त्री पुरुष को लोगों ने ईश्वर ने इसलिए जोड़ा है कि उससे बच्चे हो, तो बच्चों की संख्या जिसको जितनी होनी चाहिए होनी चाहिए, कानून की इतनी रखवाली नहीं होनी चाहिए स्त्री और पुरुष के रिश्ते में। और मामला ये है कि देश का संविधान में ऐसा कोई रुकावट नहीं है, ये लोग चिढ़ावन के तौर पर काम कर रहे हैं। असल मामला ये है कि जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, इसके निदान को तलाश करना चाहिए। वो ये डंडे के चोट पर वो फैमिली प्लानिंग का काम नहीं होगा। जो लोग अलग अशिक्षित हैं, जो लोग जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, बेचारे गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके यहाँ बच्चों की संख्या ज्यादा है, चाहे हिंदू समाज के हों, जैनी समाज के हों, मुस्लिम समाज के हों, जो लोग सूफी संपन्न हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके यहाँ बच्चों की तादाद कम है। तो हमें गरीबी के स्तर से लोगों को उठाने की प्रयास करनी चाहिए, गरीबी के स्तर से लोग ऊपर उठेंगे तो जनसंख्या पर वैसे भी काबू मिल जाएगा। लेकिन ये सब राजनीतिक एजेंडा है कि इलेक्शन नहीं लड़ सके, ये माइनॉरिटी को निशाना बनाकर लोग कर रहे हैं। तो माइनॉरिटी के लोगों ने भी कह लिया कि हम बच्चे का हम वो करेंगे, अपना कोई ना कोई हिसाब लगाएंगे, लेकिन इलेक्शन में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, इलेक्शन में हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हमारा वोट बैंक भी बढ़ेगा और हम प्रतिनिधित्व में भी हिस्सा लेंगे। अब ये है कि किसी को अगर नहीं है, मामला ये है, अरे गाय का दूध बढ़ रहा है, आज से 20 साल पहले जो गाय 3 लीटर देती थी आज 35 लीटर देती है, जिस खेत में 10 क्विंटल का फसल होता था 20 क्विंटल का फसल होता है, और आज जमीन नहीं है, आसमानों को गगन चुनती इमारतें खड़ी हो रही है। मसला जनसंख्या का नहीं है, देश में जो सरमायादार है, जो सरमायादार लोग हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि कुछ न कुछ मामले में गरीबों को उलझाए रखें। मामला देश में जो है न्याय पर आधारित वितरण प्रणाली का होना चाहिए, समान सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए। दौलत का मामला ये है कि दौलत में अमित शाह जी के बेटे का कारोबार होता है तो 1000 गुना 10000 गुना नफा उसको हो जाता है, और फुटपाथ पर जो बेचारा पकौड़ी बेचता है उस बेचारे का पेट भी नहीं चलता है। तो गरीबों के उत्थान के बारे में सोचनी चाहिए, गरीबों के बच्चों के शिक्षा के बारे में सोचनी चाहिए। जब से ये सरकार बैठी है इनके सामने में मंदिर है, इनके सामने में मस्जिद है, इनके सामने में NRC है, इनके सामने बच्चा पैदा नहीं करो ये मामला है, नोटबंदी है, और ये है तमाम तर मामला जो है परेशानी का है। जन सुविधाओं के लिए, आम देश की तरक्की के लिए इनके पास कोई मामला नहीं है। देश का जो लोग चौकीदार बनकर बैठे हैं इस वक्त, देश की सही तौर पर रखवाली करनी चाहिए और देश के विकास के लिए ईमानदाराना प्रयास करना चाहिए। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, सभी की एक आशा है कि भारत हमारा महान बने और महान बनकर पूरी दुनिया में अपना सिक्का बैठा है। लेकिन यह है कि हमारा प्रधानमंत्री जाता है अमेरिका तो वहां पर प्रचार बॉय बन जाता है, तो अब कहां देश को ले जा रहे हैं ये लोग, समझ में नहीं आ रहा है।